नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आईडीआई न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की ताजा ब्रेकिंग खबरें और मुख्य समाचारों के बारे में। पूरी क्षमता से चल सकेगी एयर इंडिया रिलीफ फ्लाइट। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को हुई विशेष सुनवाई में एयर इंडिया को नॉन शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट के मामले में थोड़ी सी राहत दी है। यह फ्लाइट विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाई जा रही है। कोर्ट ने कहा है कि एयर इंडिया 6 जून तक 10 दिन के बीच खाली सीट छोड़ने बिना प्रचालन कर सकती है। इसके बाद इस फ्लाइट का प्रचालन बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही होगा। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट के 22 मई को आदेश के खिलाफ दाखिल नागरिक उड़ान मंत्री और एयर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस आदेश में एयर इंडिया को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए बीच की सीट खाली रखकर प्रचालन करने को कहा था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को कहा कि सामान्य हालत में हम हाई कोर्ट के अंतर आदेश में दखल देने के पक्ष में नहीं होते। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एयर इंडिया के एक फ्लाइट ने याचिका दाखिल कर कहा था कि विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने में एयरलाइंस कोविड-19 के संबंध में सुरक्षा का पालन नहीं कर रही है। दूसरी खबर भी चीनी वायरस से निकल के आ रही है। जी हाँ, दूसरी खबर, महाराष्ट्र को केरल मॉडल की जरूरत, राज्य सरकार ने मांगी मदद। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित पुणे बॉम्बे औद्योगिक इलाके में महामारी से लड़ने के लिए औपचारिक रूप से पत्र लिखकर केरल सरकार से सहायता मांगी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजे टोपे द्वारा केरल की स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री के शैलेजा से बात करने और कोरोना महामारी की चुनौती पर चर्चा करने के लिए कुछ दिन बाद यह कदम उठाया है। डॉक्टर और नर्सों की मांग, अब महाराष्ट्र सरकार ने एक आधिकारिक पत्र भेजकर यह महामारी संकट से निपटने के लिए डॉक्टर और नर्सों की मांग किया है। मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर टीपी लहने, जो नोडल अधिकारी हैं, ने कहा है कि निकट भविष्य और पुणे में कोरोना मामले की संख्या बढ़ने की आकांक्षा है। उन्होंने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता के लिए विशेष डॉक्टर और नर्सों की 50 टीम के लिए मंत्री शैलेजा से अनुरोध किया है। आपको बता दें कि उनकी सेवाओं के लिए महाराष्ट्र MBBS डॉक्टर को प्रति महीने 80,000 रुपए और MD और MS विशेष डॉक्टर को प्रति माह 2,00,000 रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार है, जिसमें फिजिशियन और गहन चिकित्सक भी शामिल हैं। तीसरी खबर भी चीनी वायरस से ही आ रही है। जी हाँ, लॉकडाउन में छूट से बड़े कोरोना केस, लेकिन स्थिति काबू है। जी हाँ, आपको बता दें कि केजरीवाल ने एक बयान शेयर किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पिछले दिनों से दिल्ली में कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है। इस पर बात करते हुए सीएम ने खुद को माना कि लॉकडाउन में ढील के बाद केस बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति काबू में है। 17 तारीख को लॉकडाउन में काफी ढील दी गई। आज एक हफ्ते बाद भी यह मैं कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई बढ़ाने वाली बात। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी तब हमें उम्मीद थी कि केस में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, थोड़ा बढ़ोतरी हुई, लेकिन चिंता की बात नहीं है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में संक्रमित केस के बारे में केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अभी 13,418 पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 6540 लोग ठीक हो चुके हैं और 6617 लोग अभी भी बीमार हैं। यानी कि जितने ठीक हुए उतने ही बीमार हैं। कोरोना की वजह से अब तक दिल्ली में 261 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथी खबर निकल के आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से। जी हां, राज ठाकरे का योगी पर पलटवार, कहा बिना अनुमति के महाराष्ट्र में नहीं आने चाहिए प्रवासी मजदूर। भले ही देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी ओर राजनेता पूरे मामले में राजनीति करने में नहीं चूक रहे हैं। अति संवेदनशील मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी पलटवार किया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ यह बात ध्यान रखे, प्रवासियों को अब महाराष्ट्र में आने से पहले उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से अपील भी किया है कि मनसे के प्रमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। एक और बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है, जो है उत्तर भारत में गर्मी को लेकर। जी हाँ, उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहा है पारा। IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, 48 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि मंगलवार तक राजधानी में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस हफ्ते उत्तर भारत के साथ साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी तापमान बढ़ सकता है। IMD के साइंटिस्ट नरेश कुमार ने कहा है कि 28 मई के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है और इसके बाद कई में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे आपको बता दें कि पूरे भारत में लगभग 45, 44, 46 डिग्री के आसपास तापमान रह रही है। अगले 5 दिनों की बात करें तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के पारे की बात करें तो तापमान 46 से 48 डिग्री तक जा सकता है। इस साल गर्मी को लेकर पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
एक और महत्वपूर्ण जानकारी कोटक बैंक की तरफ से आ रही है। जी हाँ, कोटक बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कर दिया है कटौती। नई ब्याजे दर लागू कर दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में कटौती किया है। अब 1,00,000 रुपए के जमा पर 3.50% वहीं 1,00,000 से ज्यादा जमा होने पर 4% सालाना ब्याज मिलेगा। नई दरें 25 मई से लागू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक बचत खाते में इससे पहले 1,00,000 रुपए तक के जमा के लिए 3.75% और 1,00,000 से ज्यादा पर 4.50% ब्याज मिलता था। इस बैंक में ब्याज दैनिक शेष राशि के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन अब इस पर ब्याज दर घटा दिया गया है, जो कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान लोगों को देखने को मिलेगा। अगली खबर किसान से के लिए निकल के आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना में खेती पर असर पड़ा है। औद्योगिक मांग घटने और रिकॉर्ड उत्पादन होने के कारण किसानों को पिछले साल के मुताबिक आधी कीमत पर बेचना पड़ रहा है मक्का। कोरोना महामारी के कारण किसानों को मक्के का वाजिब दाम मिलना मुहाल हो गया है। इसकी वजह यह है कि मक्के में औद्योगिक मांग खत्म हो गई है। दूसरी ओर मक्के के उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना है। मक्का ही नहीं, गेहूं चावल समेत मोटे अनाज के उत्पादन में इस साल नया कीर्तिमान बनाने का अनुमान है। इसके कारण भविष्य में भी मांग बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, किसानों ने भी इस साल मक्के की खेती में ज्यादा दिलचस्पी लिया था। देश में बिहार एक ऐसा सूबा है जहाँ साल के तीनों सीजन खरीफ, रबी और जायद के दौरान मक्के की खेती होती है, लेकिन प्रदेश में मक्के की सबसे ज्यादा प्यार रबी सीजन में होती है। बिहार में कोसी की कछार की मिट्टी मक्के के पैदावार के लिए काफी उबर है। पिछले साल ऊंचा भाव मिलने के कारण किसानों ने मक्के की खेती इस साल ज्यादा किया है और अब उन्हें औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। जी हाँ, बिहार में एक क्विंटल करीब 1,050 रुपए का बिक रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पिछले साल से 500 रुपए का कम नुकसान देखने को मिल रहा है। चलेगी 2600 ट्रेन और 36,00,000 लोग करेंगे सफर रेलवे में। जी हाँ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि 1 मई के सबसे पहले रेलवे ने लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेन चलाने का फैसला किया था। इसके बाद ही रेलवे ने किसी भी स्टेशन से ट्रेन चलाने की तैयारी किया है। राज्यों को कहा गया है कि जहां से उन्हें जरूरत है वहां से ट्रेन चलाई जाएगी। 20 मई को सबसे ज्यादा ट्रेन यानी कि 280 ट्रेनें चलाई गई। पिछले 4 दिनों में 2600 ट्रेन चलाई गई है। 80% यात्री यूपी बिहार से हैं। रेलवे चेयरमैन ने बताया कि यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों ने 80% यात्रा किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के साथ मिलकर 10 दिनों के लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। अगले 10 दिन में करीब 2600 ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें करीब 36,00,000 यात्रा सफर कर पाएंगे। दूसरी खबर निकल के आ रही है, लॉकडाउन में इनकम डाउन होगा और बैंक में जमा पैसे भी घट सकता है ब्याज। जी हाँ, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 22 मई को पॉलिसी रेट में कटौती किया है। रेपो रेट में 40 घटाकर 4% कर दिया गया है। जिन लोगों ने कर्ज लिया है उन्हें तो भी इस फैसले का फायदा होगा, खास करके वो लोग जिन्होंने अपना कर्ज रेपो रेट से लिंक कराया है। लेकिन जिन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट या सेविंग में पैसा जमा किया है उनको बैंकों से मिलने वाला ब्याज कम हो सकता है। इससे पहले RBI ने मार्च में भी रेपो रेट कटौती किया था। लॉकडाउन जब से चला है तब से अब रेपो रेट में करीब 115 पॉइंट की कटौती की गई है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती किया गया है, जिसमें 4.4% से लेके 4% किया गया है। खबर निकल के आ रहा है COVID-19 के बारे में। जी हाँ, COVID-19 वैक्सीन का ट्रायल पहला चरण काफी ज्यादा कामयाब हो चुका है। 8 लोगों पर इस वैक्सीन का टेस्ट किया गया था, जिसमें सभी लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिला और सुरक्षित पाए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ह्यूमन ट्रायल का अगला फेज बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा, जिसमें और से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाने वाला है। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ह्यूमन ट्रायल शुरू करने वाली मॉडर्न पहली कंपनी है और वैक्सीन डेवलपमेंट में जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एक नया तरीका है, जिसमें वैक्सीन बनाने के वायरस से जेनेटिक्स मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। अब तक वैक्सीन तैयार करने के लिए ये प्रयोग में नहीं किया जाता था, यानी कि बहुत जल्द ही COVID-19 का वैक्सीन मिलने वाला है। चौथा खबर भी पूरी तरह से चीनी वायरस पे ही आ रहा है। जी हाँ, भारत में कोरोना से अब तक 1,25,101 मामले आ चुके हैं और करीब 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में 24 घंटे में करीब 6,654 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 23 मई की सुबह जारी आंकड़े के मुताबिक अब तक 1,25,101 मामले की पुष्टि हुई, जिसमें 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है।
1500 किलोमीटर सफर 500 रुपए की साइकिल से तय किया। पिता के साथ हुए हादसे के बाद पढ़ाई छोड़ी थी, अब शुरू करेगी पढ़ाई। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने इस फोटो को ट्वीट किया है। जी हाँ, लॉकडाउन ने लाखों प्रवासी को इधर से उधर कर दिया। इस दौरान कई कहानियां देखने और सुनने को मिल रही है। कई सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यास पैदल चलकर अपने घर लौट रहे हैं। इसी में दरभंगा की एक बेटी जो अपने बीमार पिता को 10 मई से दिल्ली के लिए चली थी और 16 मई को दरभंगा पहुंचे। उन्होंने 7 दिन में करीब 1200 किलोमीटर के रास्ता तय किया गया है। ज्योति सात समुंदर पार अमेरिका भी पहुंच चुका है। तभी तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इमका ने भी उन्हें ट्वीट पर सराहा है। खबर किसानों के लिए आ रही है। जी हाँ, किसानों के लिए बेहद ही रात की खबर है। खरीद फसल की MSP बढ़ाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि MSP करीब 2.9% बढ़ाई जा सकती है। धान की कीमत और मक्का बाजार को देगा मुनाफा। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच किसानों के लिए राहत की खबर आ रही है। केंद्र सरकार खरीद फसल के लिए खरीदारी के लिए MSP बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर ने अपनी सिफारिश सौंप दिया है। अब इन सिफारिश को मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। यदि MSP की सिफारिश पर अमल होता है तो किसानों को फसल पर ज्यादा मुनाफा होगा और जिसकी आय में भी वृद्धि होगी। आपको बता दें कि धान की MSP करीब 53 रुपए बढ़ाने की सिफारिश किया जा रहा है। ईटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक MSP ने खरीफ की 17 फसलों की MSP बढ़ाने की सिफारिश किया है, जिसमें धान की फसल सबसे प्रमुख है। यदि MSP की सिफारिश मान लिया जाता है तो धान की MSP 53 रुपए प्रति क्विंटल रुपए की बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से समान धान की MSP को बढ़ोतरी करके 1815 रुपए से बढ़ाकर 1868 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश किया गया है। दाल की भी MSP बढ़ाई जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी के मुताबिक CSP के प्रस्ताव को लेकर फूड एवं अन्य संबंधित मंत्रालय को साथ विचार परामर्श कर रही है। इसके बाद ही प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अधिकारी का कहना है कि सामान्य तौर पर MSP की सिफारिश पूरी तरह से मान लिया जाता है।